हेलो फ्रेंड्स, सिलाई सीखो से मैं सरिता शर्मा। आज हम डोरमेट बनाएंगे। ये देखिए पैटर्न जो है ये मैंने रेडी कर लिया है। उसको करने के लिए देखिए आपको जितना बड़ा सर्कल चाहिए आप उतना बड़ा सर्कल काटेंगे। सर्कल काटने के लिए आप कोई जो है टब का ढक्कन ले सकते हैं, कोई बड़ी थाली ले सकते हैं, या फिर आप पेपर पर इसको काट सकते हैं। तो ये देखिए ये पहले से मेरा सर्कल कटा हुआ है, ये मैंने रखा हुआ। इसका जो सेंटर निकालने के लिए जो है, क्योंकि बोर्ड मुड़ेगा नहीं और इसलिए पेपर मुड़ जाएगा, इसलिए हमने जो है इसका सेंटर निकालने के लिए यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से ये निशान लगाया हुआ है। ये और ये इन निशानों को यहाँ से ऐसे ही मिलाना है। ये सर्कल जो है हमारा 18 इंच का है, ये देखिए 18 इंच का है। इसका मैंने हाफ किया, यहाँ पर मैंने सेंटर पॉइंट निकाला, यहाँ से भी मैंने 9 इंच लिया और यहाँ से ये 18 है, तो 9 9 इंच लेकर ये सेंटर निकाला मैंने यहाँ पर। उसके बाद ये देखिए यहाँ से हमने ये देखना है कि ये हमारा जो पोर्शन है ये कितना आता है। तो ये पोर्शन जो है जैसे हमारा 14 आया है, ये देखिए इस तरीके से हम इसको नाप लेंगे, ये इस तरीके से हम इसको नापेंगे। तब इसको नापने के बाद यहाँ से जितना हमारा आता है उसका हमने जो है एक एक इंच करते हुए, यहाँ से 14 आया है तो हमने ये 13 इंच के जो है हमारे यहाँ पर ये बॉक्स बनेंगे इस तरीके से। ये देखिए ये मैंने यहाँ पर जो है काउंटिंग लिख दी है, तो 13 इंच के ये जो है हमारे ये बॉक्स बनेंगे। उसमें जो है ये कट का निशान लगाएंगे इस तरीके से पूरे इसमें। ये देखिए ये हमने कट के निशान लगाए हैं सभी में, तो ऐसे ही 13 13 जो है ये पूरे इसमें जो है चारों तरफ में जो है ये कट लगाने हैं। एक एक इंच के ये कट हैं। और कट लगाने के बाद फ्रेंड्स ये देखिए हम एक ऊन लेंगे और जो ये लेगिंग हमारे पास बची होती है या कोई वेस्ट कपड़े होते हैं आप उसमें से जो है आप इसको बना सकते हैं। स्टार्टिंग में हम ये ऊन यूज़ करेंगे। ये देखिए ऊन लेंगे हम, जो हमारा ये सेंटर वाली लाइन है इसमें हम जो है ये ऊन लगाएंगे और यहाँ से लगाने के बाद इस पर जो है यहाँ पर हम टेप से इसको थोड़ा सेट कर देंगे ताकि ये निकले नहीं। ये देखिए उसके बाद जो है यहाँ से ये वाली लाइन को हम छोड़ देंगे, जो हमारी बीच वाली है इसको छोड़ देंगे और इसकी आगे वाली लाइन में हमने इसको लेना है। ये देखिए इस तरीके से ऐसे लेना है। अब इसको यहाँ नीचे से हम घुमा कर लाएंगे और इस वाले बॉक्स में लेकर आएंगे। उसके बाद यहाँ से ये देखिए ऐसे इसको ऐसे करेंगे। अब इस साइड लेकर आएंगे, ये देखिए इस तरीके से, फिर इसमें बीच में से लेकर आएंगे, अब इस साइड लेकर आएंगे। फिर यहाँ पर इसको क्रॉस में जो है वो हमने इसको लपेटना है पूरे सर्कल में। ये देखिए इसको जो है हम ऐसे पूरा जो है कवर करेंगे। उसके बाद लास्ट में ये जो हमारे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो, और ये लास्ट वाला जो है इसको हम काट देंगे अब यहाँ से, और यहाँ पर भी एक टेप लगा देंगे ये ऐसे करके। ये टेप लगाने के बाद फ्रेंड्स आप अगर आपके पास ऊन है तो आप ऊन यूज़ करिए, नहीं तो जो आपके पास कोई भी मोटा धागा हो, कोई डोरी हो, आप उसको भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो लेगिंग या कोई भी पीस है जो उसको थोड़ा पतला काटें और उसको भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। फिर अब ये देखिए ये इन सभी को जो है इकट्ठा कर देंगे हम ऐसे लेंगे। यहाँ पर ये जो मैंने डबल करा हुआ धागा इसको जो है इसमें गांठ लगाइए, इसके बीच में से हम इसको निकाल देंगे और इन सभी को इकट्ठा कर देंगे। इसके बीच में से लेंगे और इन सबको इकट्ठा कर देंगे। ये देखिए ये सब इकट्ठा हो गया। अब उसके बाद जो है इसको आप एक दो बार यहाँ से डबल कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से इसको करने के बाद अब सभी पट्टियों पर जो है हम जोड़ लगाएंगे। इसको पहले हम मोड़ेंगे और इसको थोड़ा सा यहाँ से कट लगाएंगे, ऐसे ही दोनों पीसों पर जो है हम, ये देखिए दोनों पट्टी पर ऐसे कर कर हम ये लगाएंगे। अब इसके उसके अंदर डालेंगे ये ऐसे, और एक पट्टी को जो है हम इसके अंदर कर देंगे। ये देखिए ऐसे करके जो है हम पट्टियों पर अपनी पर पूरे पर जोड़ लगाएंगे। तो मैंने ये दो कलर ऐसे लगाकर इसमें जोड़ लगा लिया है। अब इसको इस थोड़ा जो है लेगिंग को हम खींच सकते हैं इस तरीके से, ये ऐसे हम इसको खींच सकते हैं।
अब ये देखिए, इसको स्टार्ट करने के लिए आप इसको कहीं से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे ये है, एक हमने उठाया, एक को हम दबाएंगे, एक उठाएंगे और एक को हम दबाएंगे, इस तरीके से इसको हम पूरा करेंगे। ये ऐसे, ये देखिए, इसको पूरा जो है मैं कवर कर कर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं गोल घुमाकर लेकर आई, एक छोड़ते हुए और एक उठाते हुए। और अब ये देखिए, ये वाला जो हमारा पोर्शन है, यहाँ से जो बचा है, इस पीस को हम जो है अंदर डाल देंगे इस तरीके से, और इसके ऊपर जो है ऐसे हम इसको कवर कर देंगे फिनिशिंग करने के लिए। अब ये देखिए, ये वाली पट्टी जो है हमारी अब पूरे राउंड पर ऐसे ही स्टार्ट होगा। ये देखिए, जो हमने जो उठाया हुआ था, इसको हमने दबाना है और इसको हमने उठाना है। ये देखिए ऐसे करके, ये हमने उठाया, अब इसको हम दबाएंगे और एक को उठाएंगे, इस तरीके से हमने ये जो है इसको पूरा को करना है। एक को उठाएंगे, एक को दबाएंगे, एक को उठाएंगे, एक को जो नीचे दबा हुआ है इसको हमने उठाना है, ऐसे करके इसको जो है खींच देंगे हम। इसके साथ साथ इसको जो है टच करते जाएंगे। अब मैं इसको जो है थोड़ा सा बनाकर आपको दिखाती हूँ, ताकि आपको जो है क्लियर पता चले, और उसके बाद मैं यहाँ पर आपको खुला कर कर बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बनेगा, करना सेम ऐसे ही है, एक को उठाएंगे और एक को दबाएंगे। ये देखिए, इसको दबाएंगे, इसको उठाएंगे, अगर पास में से आपको यहाँ से लेने में दिक्कत होती है तो आप भी थोड़ा सा दूरी पर जो है आप इसको ले सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से भी आप आराम से जो है इसमें डाल सकते हैं, ये ऐसे करते हुए, और को बस एक छोड़ना और एक बना एक लेना है, बस इसी तरीके से पूरा करते हुए इस सर्कल को हम रेडी करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो है बनकर रेडी होने वाला है। एक लाइन और रह गई है, मैं इसको पूरा करती हूँ, ये फिर आपको बताना चाहूँगी। ये देखिए, ये हमने उठाया हुआ है, इसको हम दबाएंगे। ये देखिए, यहाँ से आपको पता चलेगा, ये उठा हुआ है यहाँ से, ये यहाँ से इसको हम, ये देखिए ये उठा हुआ है, इसको यहाँ से ये वाला लेंगे, फिर ये उठा हुआ है इसको लेंगे। ये देखिए, एक छोड़ेंगे और एक बनाएंगे और इसको हम खींच देंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद इसको ये है, इसको यहाँ से लेंगे और इसको थोड़ा ऐसे घुमाते हुए अंदर की साइड में इसको इसके साथ में हम सिल देंगे।
और एक धागा हम यहाँ का लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। ये देखिए ये कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब इसमें से ये देखिए यहाँ से ये मुड़ रहा है, तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा मोड़ सकते हैं और इसको यहाँ से निकालेंगे। ये देखिए ये निकाल दिया मैंने। इसको निकालने के बाद इसको यहाँ से बीच में से कट करेंगे। और इसमें हम ये डबल नॉट ये ऐसे लगाएंगे, फिर इसको ऐसे ही निकालेंगे। एक एक कटकर आप इसको निकालते जाइए। डबल नॉट लगाएंगे। ये देखिए ऐसे करते हुए इसको हम कंप्लीट करेंगे। पूरे को एक एक निकालते जाएंगे और एक एक पर हम ये डबल नोट जो है वो लगाते जाएंगे। बहुत ही सुंदर दिखाई देता है ये बना हुआ, और बनाना भी बहुत ही इजी है फ्रेंड। तब आप बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखने में चाहे आपको मुश्किल लगे लेकिन ये है बनाना बहुत ही आसान। इसी तरीके से मैं इसको कंप्लीट कर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स ये जो है ये मैंने गांठ लगा के इसको पूरा कर लिया है। अगर आपको धागे बड़े लगे तो आप इसको काट भी सकते हैं और या फिर आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो हमने जो टेप लगाई थी, इस टेप को अब हम हटा देंगे और इसको भी लास्ट वाले को भी हम निकाल देंगे और इन सभी को हम गांठ लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर बना है। इसको थोड़ा खींच कर नहीं बनाना, थोड़ा लूज रखना है। अगर हम इसे थोड़ा खींच कर बनाएंगे तो ये हमारी जो है टोपी की तरह पायदान हो जाएगा, जो सही नहीं बनेगा। और ये जहाँ पर जो हमने एक छोड़कर एक लिया है, एक छोड़ा है, एक लिया है, अगर उसमें थोड़ी भी गड़बड़ हो जाती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे से आप जो है वो स्टेप दोबारा से आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है ये देखने में। आप ऐसा बनाइए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।